आज आप प्रभु की प्रेजेंस में हो या ऑनलाइन सुन रहे हो, ये प्योर ग्रेस है आपकी लाइफ के ऊपर, ये प्योर ग्रेस है। आमीन। आप जैसे हजारों लोग आना चाहते हैं लेकिन यहां नहीं, अगर आप यहां हो तो आप पहले से ग्रेस के नीचे हो। लुका की पुस्तक 10 उसके 30 को मैं पढ़ता हूं। एक मनुष्य यरूशलम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए, मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और उसे देखकर कतरा के चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और उसने दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और बोला, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर भी तुझे भर दूंगा। सब बोलो आमीन। आज आपने ध्यान से सुनना है परमेश्वर के वचन को और नोटिस करते जाना है, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे परमेश्वर के वचन को तो हमेशा याद रखना आप नोटिस किए जाएंगे दुनिया के द्वारा। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुने तो आपको यह भी दिमाग में रखना है कि आप एक शरीर भी हो, आप अकेली आत्मा नहीं हो, अकेला शरीर नहीं हो। जो भी आप सुनोगे 100% उसे याद नहीं रख पाओगे, तो इससे अच्छा ये है कि आप जो कुछ सुनते हो उसे लिख के रखो, क्योंकि जब भी शैतान आप पे अटैक करे, आपकी लाइफ को डाउन करे, आप उसे लिखे हुए वचन को जब दोबारा रिवाइज करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और आपको फ्री करता है। आज भी 2004-2005 की डायरी में जो वचन मेरे लिखे हैं आज भी मुझे याद है, वो वचन जो सिर्फ लिखे हुए हैं, जो मैंने सुने थे वो हो सकता है भूल जाऊं, लेकिन जो लिखे हुए हैं वो मैं कभी नहीं भूलता हूं। हालेलुया। इस स्टोरी से हमें क्या पढ़ने को मिलता है, लिखा एक यात्री यरूशलम से यरीहो को जा रहा था। अगर आज आप इन वचनों को आपने सुना तो आप इस बात को याद रखो कि कर्स आपकी लाइफ पे कभी काम नहीं कर पाएगा। और ये एक ऐसा आत्मा है जो क्रिश्चियन लोगों के पीछे भी पड़ा रहता है और चर्च जाने के बावजूद भी लोगों की लाइफ में काम करता है जब तक उस आत्मा से लोग आजाद नहीं हो जाते। हालेलुया। हालेलुया। आपको ध्यान से सुनना है, लिखा एक यात्री यरूशलम से, एक मनुष्य यरूशलम से यरीहो को जा रहा था। परमेश्वर यीशु मसीह जब ये स्टोरी सुना रहे थे तो ये सच्ची स्टोरी थी, ये परमेश्वर ने कोई एक एग्जांपल नहीं दी थी, ये एक रियल स्टोरी परमेश्वर सुना रहे थे। यरूशलम का मतलब है ऊंचा स्थान, आशीष का स्थान, शांति का स्थान, और यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, एक ऐसा स्थान जो आपके दिमाग में बना हुआ है लेकिन असली नहीं है। हालेलुया। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के स्थान को छोड़ के उस स्थान का पीछा करेगा जो स्थान शैतान ने उसके दिमाग में पैदा किया, हमेशा उस पर अटैक होगा, क्योंकि बाइबल कहती जैसे ही वो यरूशलम से यरीहो की ओर जा रहा था उस पर अटैक हुआ। यरूशलम ऊंची जगह है और यरीहो नीची जगह है। जब भी एक विश्वासी अपने ऊंचाई वाली विश्वासी जिंदगी को छोड़ के जब नीचे जाना शुरू होगा तब उस पर शैतान का अटैक होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। आप ये बात याद रखो, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है, वो आपकी है। जब परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं वो आपको पावर देते हैं, आपको ताकत देते हैं पाप को मना करने की, परमेश्वर में चलने की, शैतान को डांटने की और जयवंत जीवन जीने की। पर उस ताकत का इस्तेमाल किसने करना है? आपने करना है। आपको एक अलमारी दे दी गई, उस अलमारी के 12 खाने 12 चाबियां दे दी गई, एक में चंगाई है, एक में बरकत है, एक में छुटकारा है, एक में फाइनेंस है, एक में फैमिली है। अगर आप रोते रहेंगे अलमारी के सामने चाबियां हाथ में पकड़ के कि मेरे को चंगियाई चाहिए और आप उस दरवाजे को खोलेंगे नहीं, आप चाबी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सारी उम्र बीमार रह सकते हो, चर्च में आके भी गरीब रह सकते हो, श्राप के नीचे रह सकते हो अगर आप वचन को फॉलो नहीं करोगे तो।
लिखा जब भी वो यरूशलम से यरीहो को जा रहा था तो शैतान ने उस पर अटैक किया, डाकुओं ने उसे घेरा और अटैक किया। आपको याद रखना है, अगर आपकी लाइफ 2 घंटे प्रार्थना में है तो अगले 6 महीने वो 2.5 घंटे होने चाहिए। आमीन। वो नीचे नहीं आनी चाहिए, आपकी फास्टिंग नीचे नहीं आनी चाहिए। शैतान का आपको दुनिया दिखाने का मकसद ये है, आपको व्यभिचार में लेके जाने का मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे जाए ताकि वो आप पे अटैक कर सके। क्योंकि आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। याद रखो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम दिख सकते हो, आप प्रॉमिस चाइल्ड हो। आपके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ परमेश्वर का, आपको सिर बनाने का वायदा, ऊंचा करने का वायदा, आशीषित करने का वायदा, इतनी बरकत देने का वायदा कि जगह नहीं होगी, आपको चंगे रखने का वायदा, आपको बचाए रखने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये प्रॉमिस है आपके ऊपर, आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। परमेश्वर ने कहा इसहाक, क्योंकि तेरे फादर के साथ अब्राहम के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के चलते मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। आप अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह अब्राहम के वंश से पैदा हुए और हम भी अब्राहम के वंश से कहलाते, जिसे परमेश्वर ने कहा था तू आशीष का मूल होगा। आमीन। आप वायदे की संतान है, आप शरीर की संतान नहीं, आप इश्माइल नहीं हो, आप इसहाक हो। इश्माइल शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था, इम्पेशेंस से पैदा हुआ था, इसहाक प्रतिज्ञा और विश्वास से पैदा हुआ था। आप शरीर से पैदा हुए थे जब माता पिता के मिलाप से पैदा हुए, पर आत्मा से पैदा हुए जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर को जाना। अब आप शरीर की नहीं, आत्मा की संतान हो, वायदे की संतान हो। आमीन। और एक वायदा आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको ग्रेट करने का वायदा, ऊंचा रखने का वायदा। दुश्मन आपकी लाइफ टाइम, जब तक आप बूढ़े होकर प्रभु के पास नहीं जाते, आप पे कभी हावी होने ना पाएगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है, बाइबल कहती है। लिखा यूहन्ना भविष्यद्वक्ता से लेके अब तक परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। अगर आप पुराने टाइम में राजाओं को देखते हो तो जब उन्होंने कोई नया राज्य जीतना होता था, क्या आराम से जीतते थे कि नहीं? नहीं। कैसे जीतते थे? फाइट करके। पर कुछ लोग बल नहीं लगाना चाहते। जब 12 साल की लोग बनी, औरत भी यही कहती, भैन मैंने दसी, अच्छा जे यीशु मसीह इतों निकले ना मेरे घर के लागे हो तो मैं दसी जरूर, मैं चल नहीं सकती ना, हाय मैं तुर नहीं सकती ना। या उन्हें ऐसा एक बारी कहती मैं उन्होंने छूवानी थे, भावे भीड़ हो गए परमेश्वर के कोई जिन्नी मर्जी, मैं अपना मिरेकल लेके रहूंगी। तो यीशु मसीह ने कहा मेरे राज विच पल पूर्वक प्रवेश किया जा सकता है। जे वेट करते रहोगे मेरी सिचुएशन सिद्धि होए तो मैं तुरंत चर्च जाऊंगा, माड़े तुरंत जोगा हो जा, अपने लोगों को पाई बैड से पाके ले जा चर्च, आऊंगा बैड से वापिस नहीं, एक बार चर्च ले जा मैं। अपनी सिचुएशन अपन परिस्थितियां सीधे होने की आस लगा बैठे हैं, मेरा बस मैंने 15,000 तनखा, मेरा खर्चा मसीह पूरा होता, मसीह नहीं 15,100 रुपया मेरा खर्चा है, जे प्रभु मेरी तनखा तू 17,000 कर दे तो मैं 10वां हिस्सा दूंगा, ताकि 19,000 भी हो जाए तुम कभी 10वां हिस्सा नहीं दे सकते। तो शुरू करना पौगा, क्योंकि परमेश्वर के राज प्रवेश करने के लिए तुम बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ता है, ना कि परिस्थितियां जो स्थितियां हो उदो प्रवेश कर सकते हो। जो धोना छड़ते हैं कि हाँ आ खर्चा हो ले, बस आ बिल पर आओ, आ खर्चा पूरा हो जाए, आ बिल बस 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 बिल वाते जाते और फजूल खर्चियां वादियां, और शैतान साढ़े पैसे के उत्ते कब्जा करता और थैली की शेक करता है, और फालतू के खर्चे, फालतू दी टेंशन, डिप्रेशन टेंशन, फालतू खर्चे उदो शुरू होंगे जो असं घटी च भी बोना खत्म कर दें आप, और जो घटी च बोन की आदत पै जाती है फिर जो वो भी आता अभी बोने हैं।
जो एक्स्ट्रा भी आंदा सी भोने है क्यों सानू एक सीक्रेट समझ आ चुका है कि परमेश्वर के राज में अगर मैं फाइनेंशियली बरकत चाहना ते मेरे रस्ते कभी सीधे नहीं हो सकते जब तक मैं कुलाड़ी लेके ते कई लेके जाऊंगा नहीं रस्ते सीधे करना पड़ा मेरा बोना मेरी कई है एक मेरी कुलाड़ी है मेरे रस्ते सीधे करेगी मेरी प्रेयर मेरी फाइट मेरा पवित्रता मेरा चलना मेरी मेरी कुलाड़ी है मेरे रस्ते सीधे करेगी क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कुछ करना नहीं और लास्ट शब्द क्रूस से कैसी इट इज डन पूरा होया।